नमस्कार दोस्तों, लाइव जनादेश में आपका स्वागत है। और एक स्वास्थ्य की भरपूर जानकारी के साथ, एक जो बीमारी कहीं ना कहीं दिनों दिन दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उसके बारे में चर्चा करेंगे और उसके बारे में जानेंगे। और बीमारी का अगर मैं नाम बताऊं तो शायद ही हर शख्स इस बीमारी का नाम जानता है, स्टोन यानी पथरी। पथरी मोस्टली बहुत ज़्यादातर लोगों को अब देखने को मिलती है। पथरी कितने तरीके की होती है और क्या क्या उसमें जो पथरी है उसमें किन किन चीज़ों का, जो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें और उनका क्या मेडिसिन है, बहुत सारी बातों पर चर्चा करने आए हैं हम जिला अस्पताल बागपत में, जहाँ डॉक्टर देवेंद्र मेरे साथ हैं और कहीं ना कहीं स्पेशलिस्ट हैं स्टोन के। तो इनसे जानेंगे कि ये बीमारी जो है स्टोन, ये कितने तरीके की होती है और मोस्टली ये कैसे इसका पता लगता है ये बीमारी, और इसके क्या क्या लक्षण होते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। दोस्तों, मैं डॉक्टर देवेंद्र जिला संयुक्त चिकित्सालय बागपत में जनरल सर्जन हूं। आज जैसा कि हमारे पत्रकार महोदय से ने पूछा है कि स्टोन के बारे में, तो मैं बताना चाहूँगा कि दो तरीके के स्टोन्स होते हैं, पथरी जिन्हें कहते हैं। सबसे पहली तो एक तो पित्त की थैली में पथरी होती है और दूसरा होता है गुर्दे की पथरी। तो पित्त की थैली की पथरी, हमारे अंदर जो बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल है उसको मेन कारण बताया गया है उसका, जो हमने पढ़ा है और हमने देखा भी है। तो 80% जो पित्त की थैली की पथरी होती है वो कोलेस्ट्रॉल की बनी हुई होती है, और 20% जो है वो जो बिलरुबिन होता है उसको पिगमेंटेड बोलते हैं, पिगमेंटेड होती है वो। तो इसका जो इलाज है वो तो सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन ही है। इसलिए मेरी आप लोगों से सबसे पहली चीज़ तो ये गुजारिश है कि लोग, मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि डॉक्टर साहब, हमने तो एक जगह से दवाई ली थी और वो पथरी निकल गई हमारी, लेकिन बाद में पता चलता है दोबारा जो अल्ट्रासाउंड कराया उन्होंने तो फिर पथरी की वहीं की वहीं रहती है। तो इसलिए मैं इन अफवाहों पर भी जो है क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कहीं से दवाई ना खाएँ इस चीज़ के लिए, कि क्योंकि कोलेस्ट्रॉल एक बार हार्ड रूप में आने के बाद में घुलता नहीं है कभी भी। तो इसलिए वो कोलेस्ट्रॉल की पथरी कभी भी घुलेगी नहीं आपकी किसी भी दवाई से, उसका एक और एकमात्र इलाज है ऑपरेशन। अब दूसरी पथरी पर आते हैं हम, गुर्दे की पथरी। गुर्दे की पथरी के बहुत सारे कारण हैं, जिनमें कि मुख्य रूप से हैं ऑक्सलेट, जो कैल्शियम ऑक्सलेट होता है वो है मेन कारण उसका। दूसरा है स्ट्रोवाइट का। तीसरा है सिस्टिक यूरिक एसिड जो होता है उससे भी कभी कभी बन जाती हैं, और सिस्टोन की भी होती हैं। तो और उसके साथ में भी है ये कि जो उसकी ऑक्सलेट की जो ये जो पथरियाँ होती हैं, ऑक्सलेट की पथरी एक बार बनने के बाद में वो टूटती नहीं है, निकलती नहीं है, वो सबसे ज़्यादा परेशान करती है, सबसे ज़्यादा पेन करती है, दर्द करती है, और सबसे ज़्यादा गुर्दे में यही बनती है। तो इसके लिए हमारे पास जो हम मरीज़ जो है ना, एक तो दर्द लेकर के आता है, अधिकतर रात में ही दर्द शुरू होता है, रात को 2 बजे 1 बजे के आसपास में, और उस समय बिल्कुल ही पेन बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है, तो परेशान झेल नहीं पाता है मरीज़ बहुत बुरी तरीके से, उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ तो ये है, आपको जो ऑक्सलेट के स्टोन्स होते हैं वो अधिकतर किस कारण से बनते हैं, जैसे कि पोटैटो चिप्स हो गई हैं आपकी, जिनमें कि ऑक्सलेट बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। दूसरा आपका हो गया पालक टाइप की, और तीसरी जो जितनी जो बीज वाली चीज़ें हैं उनसे हमें परहेज़ करना चाहिए इस चीज़ के लिए। हाँ, जिसमें जो भी बीज वाली चीज़ें हैं, जैसे टमाटर हो गया, बैंगन हो गया, पालक में आपको पालक बहुत ज़्यादा वो करता है, पोटैटो चिप्स हो गई, पीनट्स हो गई, मूँगफली जो हो गई, मूँगफली भी बहुत ज़्यादा करती है ये काम। और इनका भी जो ऑपरेशन है, अगर गुर्दे में ही पथरी है तो उसका ऑपरेशन PCNL, जिसको कि हम अपनी लैंग्वेज में परक्यूटानियस नेफ्रोलिथोटमी बोलते हैं, तो वो दूरबीन के द्वारा ऑपरेशन होता है इसका। और दूसरा जो छोटी पथरियाँ 5 mm या उससे छोटी होती हैं, वो तो हम जो है दवाई के द्वारा ही निकल जाती हैं, वो तो उसमें तो परेशानी वाली चीज़ ऐसी नहीं है। डॉक्टर साहब, ये जो पथरी की जो स्थिति है, 10 साल पहले शायद इतनी नहीं थी जितनी अब बढ़ रही है, इसकी मुख्य वजह अगर देखी जाए तो क्या है? इसकी मुख्य वजह हमारा जो ग्राउंड वाटर है, जो हम पानी पीते हैं, उसमें कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाना, जहाँ तक मैंने देखा है और पढ़ा है मैंने। मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारा ग्राउंड वाटर जो है वो सही नहीं रहा है, वो गंदा हो चुका है, उसमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल होते हैं तो उससे जो है ज़्यादा ख़राब हो रहा है हमारा। ये खान पान भी हमारा इतना अच्छा नहीं रहा है, हम जो है एक रेगुलर टाइम पर खाना नहीं खाते हैं, पानी बहुत कम पीते हैं हम लोग।
फिजिकल वर्क भी कम कर रहे हैं, ये भी है। तो लोग इससे जिस तरीके से बीमारी पनप रही है, इससे बचा कैसे जाए? मुख्य तौर पर यानी पानी का सही से सेवन करें और कहीं ना खान पीन पर ध्यान रखें, एक्सरसाइज ज़्यादा करें, तो ये मुख्य तौर पर है। और अगर मेडिसिन की बात करें, मार्केट में जो अच्छी मेडिसिन आ रही हैं लोगों को, 1% तो चलो जो नज़दीक हैं जिला अस्पताल के, आप जहां आप जैसे डॉक्टर्स हैं उन्हें मिल गए, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गांव देहात में जो एकदम वो नहीं उनको वो उपलब्ध हो पाती, तो वो पेन या किस चीज़ का वो सबसे पहले उपचार प्रथम दृष्टि क्या लें वो? देखिए, सबसे पहले तो जब भी पानी आप पिए उससे पहले उस पानी को आप उबाल लें। 20 मिनट आपको पानी उबालना है, उसमें से उस पानी को उबालने से उसकी इम्प्योरिटीज़ जो होंगी, जो कैल्शियम या चीज़ें होंगी, वो अपना प्रेसिपिटेट हो करके वो नीचे उसमें बैठ जाएंगी, तली में बैठ जाएंगी। ऊपर से हटा करके उसे पानी को पिए, वो आपकी सेहत के लिए भी बढ़िया है। और कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पिए रोज़ाना 3 से 4 लीटर पानी पिए, और अपना खाना समय पर खाएँ, पका हुआ और ताज़ा खाना खाएं सबसे बढ़िया है। और पानी की मात्रा शरीर में बहुत अच्छी तरीके से रखें, आपको जो है कब्ज़ ना होने दें अपने आप को, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की पथरियां भी बहुत सारी की कोलेस्ट्रॉल उसी वजह से भी होती हैं। तो दूसरी चीज़ ये है कि अब अगर मरीज़ को दर्द हो रहा है तो आप कोई भी एक दर्द की दवाई ले सकते हैं, लेकिन उससे उसमें एक अगर रीनल स्टोन है, गुर्दे की पथरी है, तो उसमें परेशानी ये होती है कि मरीज़ कभी कभी ये कंप्लेंट करता है कि उसका पेशाब नहीं आ रहा है, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। वो जो है रिफ्लेक्स की वजह से जो है उस समय होल्ड हो जाता है यूरिन, लेकिन वैसे कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप दर्द की दवाई ले सकते हैं, लेकिन जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाएं। जिस तरीके डॉक्टर देवेंद्र ने बताया कि जिस तरह मुख्य तौर पर जो ये स्टोन है, इसकी सारी जो कमियां हैं किस तरीके से हो रही हैं और क्या उपचार आपको लेना चाहिए, तो साफ तौर पर इस खबर के माध्यम से आपको जानकारी दी गई है। और जानकारी पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं फॉलो कीजिए और अपने खान पान का, पानी का और फिजिकल वर्कआउट का ध्यान रखें। यानी मुख्य तौर पर अगर देखा जाए जितनी भी ज़्यादातर बीमारियाँ हैं उनमें मुख्य तौर पर ये तीन चीज़ें हमेशा ही सामने निकल कर आती हैं, एक तो आपका पिए जल और फिजिकल वर्कआउट और खान पान और सही टाइम पर सोना भी उसमें कहीं के शामिल है। तो इन लाइव जनादेश के साथ बने रहिए और फिर किसी जानकारी भरी खबर के साथ फिर मिलेंगे। जब तक के लिए नमस्कार।